आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल सेटिंग के बारे में, कि किस तरीके से हमें गोल सेट करना है कि हम उस गोल को अचीव कर पाएं। और गोल सेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है तो, अगर आपको आपकी लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है तो चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि गोल होता क्या है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन की बात करें, ए गोल इज अ डिजायर्ड रिजल्ट ए पर्सन प्लान एंड कमिट टू अचीव। मतलब कोई भी डिजायर्ड रिजल्ट, कुछ भी पर्टिकुलर चीज को अचीव करना, उसको गोल बोलते हैं। और गोल सेटिंग, उसके लिए एक्शन प्लान बनाना, उसके लिए खुद को मोटिवेट करना, उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन या रोड मैप बनाना, उस पूरी प्रोसेस को गोल सेटिंग बोला जाता है। और एक इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। इसको मैं आपको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बार एक आदमी कहीं जा रहा था, उसे एक चौराहे पे एक बूढ़ा इंसान दिखा, और उस आदमी ने उस बूढ़े इंसान से पूछा कि ये रोड मुझे कहाँ ले जाएगी। फिर बूढ़े इंसान ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है, और उस आदमी ने बोला मुझे नहीं पता। फिर उस बूढ़े आदमी ने बोला तो तुम कोई सी भी रोड चूज कर सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप कोई सी पर्टिकुलर रोड चूज करो, क्योंकि तुम्हें खुद को नहीं पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो तुम कोई सी भी रोड चूज कर सकते हो। सो इस छोटी सी स्टोरी से ये समझ में आता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए कि हमें हमारी लाइफ में अचीव क्या करना है, क्या करना है, गोल हो गया, और किस तरीके से अचीव करना है, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या रोड मैप होगा, क्या स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं गोल सेटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि हमें किस तरीके से गोल सेट करना है कि हम उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पाए। सबसे पहले समझते हैं कि टाइप्स ऑफ गोल क्या क्या है। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक मिडिल टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। मैं इनको बहुत शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। शॉर्ट टर्म गोल वो जो आपको 2 से 3 महीने में अचीव करना है, मिडिल टर्म गोल वो जो आपको 2 से 3 साल में अचीव करना है, और लॉन्ग टर्म गोल वो जो आपको 10 से 15 साल में अचीव करना है। सो सबसे पहले आपको आपके गोल को शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफाइन करना है। आप 2 से 3 गोल शॉर्ट टर्म के लिख सकते हो, 2 से 3 गोल कोर गोल आप मिडिल टर्म के लिख सकते हो, और 2 से 3 मेन गोल आप लॉन्ग टर्म के लिख सकते हो। सो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। तो ये हो गया गोल को डिफाइन करना। अब हमने गोल को डिफाइन कर लिया कि शॉर्ट टर्म में ये हो गया, लॉन्ग टर्म में ये हो गया, और मिडिल टर्म में ये पर्टिकुलर चीज मुझे अचीव करनी है। शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन 2 से 3 मंथ, मिडिल टर्म की 2 से 3 साल, और लॉन्ग टर्म की 10 से 15 साल। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमने गोल को डिफाइन करा है। आपने गोल सेटिंग की बहुत सारी वीडियो देखी हो जिसमें स्मार्ट गोल का बोलते हैं, और गोल को सेट करने का एक फेमस फॉर्मूला है स्मार्ट गोल, जिससे एस से स्पेसिफिक आता है कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 से 3 महीने बाद आपकी इनकम को 50,000 तक ले जाना है, 1 लाख तक ले जाना है, तो आपको उसको डिफाइन करना है कि एग्जैक्टली कितनी इनकम। मान लो आपको 2 से 3 साल के अंदर एक पर्टिकुलर कार परचेस करनी है, तो वो कार कितने की है, उसकी प्राइस क्या है, किस पर्टिकुलर डेट पे, किस कलर की, कौन से ब्रांड की, कौन सा मॉडल, हर एक सिंगल चीज आपको स्पेसिफाई करनी है, और इसी का मतलब है स्पेसिफिक। फिर आता है एम, जिसका मतलब है मेजरेबल, कि आप उस गोल को मेजर कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने टारगेट लिया कि आपको 1 साल के अंदर आपकी इनकम 1 लाख तक ले जानी है, तो आप उसको ट्रैक कर पाओगे, उसको मेजर कर पाओगे कि मैं किस तरीके से, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन सी इनकम सोर्सेस है, किन चीजों पे मुझे फोकस करके इस इनकम को ग्रो करना है, तो वो चीज मेजरेबल हो गई कि उसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे कि कार का अमाउंट हो गया कि 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, तो ये भी एक मेजरेबल चीज है कि जिसको आप मेजर कर पाओ, तो आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। थर्ड चीज ए, ए से आता है अचीवेबल, वो गोल एक्चुअल में अचीवेबल भी होना चाहिए। सो आपके जो गोल होने चाहिए वो अचीवेबल होने चाहिए। इसके बाद आता है आर, आर से रियलिस्टिक, जो आपके गोल होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए, आपके पास्ट रिजल्ट उसको सपोर्ट करने चाहिए कि हाँ भाई तू ये अचीव कर सकता है, तो आपके गोल रियलिस्टिक होने चाहिए। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, मान लो आपको एग्जाम में टॉप करना है, एग्जाम में टॉप करना अचीवेबल है, लेकिन मान लो आपकी एग्जाम को बस 1 महीना बाकी है और आपने कोई अच्छी तैयारी नहीं करी है, तो जो वो टॉप करने वाला गोल है वो रियलिस्टिक गोल नहीं है। सो आपको गोल ऐसे बनाने कि आपका मन भी बोले कि हाँ ये अचीव हो सकता है, सो वो गोल रियलिस्टिक गोल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है टी, टी से टाइम बाउंडेड, आपका गोल टाइम बाउंडेड होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर डेट पे आपको क्या अचीव करना है।
इसलिए मैंने शॉर्ट टर्म में 2 से 3 महीने का टाइम दिया था, मिडिल टर्म में 2 से 3 साल का टाइम दिया था और लॉन्ग टर्म में 10 से 15 साल का टाइम दिया था। सो इस अकॉर्डिंग आपको गोल सेट करने हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको 7 स्टेप देने वाला हूँ जिससे आप आपकी प्रॉपर प्लानिंग कर पाओगे। सबसे पहले स्टेप में हमने आइडेंटिफाई करा गोल, हमने हमारा पर्टिकुलर गोल आइडेंटिफाई कर लिया शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग। फिर अब हमें उस गोल के ऑब्जेक्टिव सेट करने की, यार इस पर्टिकुलर गोल को मुझे क्यों अचीव करना है, उस गोल के वाई आपके पास होने चाहिए। कैसे अचीव करना है वो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन उसका वाई अगर आपके पास नहीं है तो वो गोल आपको मोटिवेट नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप हमेशा मोटिवेटेड फील करोगे, आपका ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा। कभी आपको काम करने का मन करेगा, कभी आपको काम करने का मन नहीं करेगा, कभी आप अच्छा फील करोगे, कभी आप बहुत ज़्यादा लो फील करोगे। तो जब आप लो फील करोगे तो जो आपके गोल है वो आपको मोटिवेट करेंगे, उन गोल्स के वाई, उन गोल्स के ऑब्जेक्टिव आपको मोटिवेट करेंगे कि भाई काम कर, ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है, सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद 3rd स्टेप आती है, लिस्ट ऑब्स्टेकल्स, जितनी भी दिक्कतें आने वाली, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, फ्यूचर प्रॉब्लम्स, प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम चल रही है उस गोल को अचीव करने के लिए, उनको आपको लिखना है। फिर 4th स्टेप, आइडेंटिफाई पीपल, कि कौन कौन से वो लोग हैं जो आपके गोल को सपोर्ट कर सकते हैं, जो आपका साथ दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि सारे काम आप ही कर लोगे, तो आपको कुछ ऐसे लोगों को साथ में लेना पड़ेगा जो आपका साथ दे सके उस गोल को अचीव करने में। फिर 5th स्टेप आती है लिस्ट स्किल, कि उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आपके पास कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स डेवलप करनी है। अगर आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको पब्लिक स्पीकिंग की स्किल डेवलप करनी है। तो आपको वो स्किल डेवलप करनी है जो आपके गोल को अचीव करने में काम आएगी। इसके बाद आती है 6th स्टेप, डेवलप ए प्लान। फिर आपको उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने का एग्जैक्ट प्लान बनाना है कि कब, क्या, कैसे, किस तरीके से होगा। आपकी जो भी डिटेल प्लानिंग होगी वो आपको प्लानिंग बनानी है। प्लानिंग बनाने के लिए मैं एक डिटेल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको गोल की प्लानिंग किस अकॉर्डिंग करनी है, किस तरीके से आपको गोल को प्लान बनाना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइन करना है आपके गोल का जिससे वो अचीव हो पाए, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिर आती है 7th स्टेप, लिस्ट बेनिफिट्स। अब जो भी आपके गोल्स के बेनिफिट्स है वो सभी बेनिफिट्स आपको लिखने हैं। सो इस तरीके से आपको आपके गोल को प्लान करना है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा आप सभी के लिए ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट रेगुलर लाने के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऑसम कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।